तो अब बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से आ रही है। कानपुर के कलेक्टरगंज इलाके में लकी होटल में आग लग गई है। 5 मंजिला बनी इस इमारत में आग लगी है। आपको बता दें, होटल में लगने से अफरा तफरी मच गई है और बताया जा रहा है कि अभी परिवार फंस गए हैं। होटल के ऊपर रह रहे कुछ परिवार फंस गए। खबर मिलने पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम। टीम ने कुछ लोगों को बचा लिया, वहीं कुछ के अभी भी फंसे होने की आशंका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। कड़ी मशक्कत की जा रही है। कानपुर के कलेक्ट्रेटगंज इलाके में बने गोदाम में लगी भयानक आग। मौके पर पहुंची है दमकल की गाड़ियां। आर्यन अग्रवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आर्यन अग्रवाल, क्या अभी तक आग पर काबू पा लिया गया और जो लोग यहाँ फंसे हुए थे उन लोगों को निकाल लिया गया? बिल्कुल, ये 5 मंजिला बहुमंजिला इमारत है। इसकी तीसरी और चौथी फ्लोर पर कुल मिला के 8 लोग फंसे थे, जिनको बाहर निकाला गया है और आग बुझाने के लिए वहाँ पर 7 गाड़ियां अभी मौजूद हैं। जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अपनी निगरानी में ये राहत बचाव कार्य चला रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये कानपुर का एक मंडियों वाला इलाका है, जहाँ पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन के बाहर, इसलिए अक्सर यहाँ पे बाहर के लोग भी आग ठहरते हैं। होटल के बगल में आग लगी है। जो पहले सूचना आई थी, वो लैंडमार्क तौर पे होटल लकी लिखाया गया था, लेकिन जब दमकल गाड़ी पहुंची तो उनको पता चला कि एक बगल में पहुंच गया इमारत लकी होटल के बगल में आग लगी थी। सबसे पहले दमकल ने काम ये किया कि आग को अगल बगल की इमारत में फैलने को रोकने का काम किया, और उनके कुछ जवानों ने बहुत साहस का काम करते हुए सीढ़ियों के रास्ते अंदर गए, क्योंकि लिफ्ट का संचालन बिजली काट के बंद कर दिया गया था आग लगने कारण। और धुएं से होते हुए उन्होंने सभी 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसमें 4 बच्चे भी थे और 2 बूढ़ी महिलाएं भी थी। तो सबसे जी आर्यन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब वजह पता चल पाई कि आग किस वजह से हुई और अब तक कितना नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है? आर्यन अग्रवाल से हमारा संपर्क टूट गया। कानपुर में लपटों का तांडव आप देख सकते हैं। हालांकि जो लोग थे उनको, फंसे हुए लोगों को निकाल लिया गया, ये खबर बताइए हमारे सहयोगी की तरफ से। लेकिन आपको ये बता दें कि ये बड़ी खबर, कानपुर में लपटों का तांडव देखने को मिला है। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा कर को लेकर भी है कि आखिरकार इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं जो लोगों को फंसना पड़ता है। लेकिन गनीमत रही, अभी तक कोई हताहत नहीं है, ये अभी ये खबर आ रही है। कानपुर की तस्वीरें, लापरवाही की लपटों में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। तो कानपुर के कलेक्टरगंज इलाके के लकी होटल में आग लगी है। 5 मंजिला बनी इस इमारत में आग लगी है। आग लगने की वजह से होटल के ऊपर रह रहे परिवार फंस गए थे। खबर मिलने पहुंचने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें जारी हैं।